नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हमारे हाथ के जो पर्वत होते हैं ना, जो उंगलियों के नीचे ये भाग होते हैं, इन्हें पर्वत कहते हैं और ये ग्रह होते हैं हमारे। जैसे कुंडली में होते हैं ना, आपका बृहस्पति होता है, आपका शुक्र होता है, आपका शनि होता है, आपका बुध होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है, राहु होता है, केतु होता है, ये अलग अलग खानों में बैठते हैं, उनको भाव कहते हैं। कुछ केंद्र में बैठते हैं, कुछ अलग अलग भाव में बैठते हैं, पहला भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, बारहवें भाव में, द्वादश भाव जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार जब एक से ज़्यादा ग्रह बलि होते हैं तो एक योग बनाते हैं और उस योग का उन ग्रहों के हिसाब से नाम देते दिया गया है और वैसे ही प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हथेली में भी योग बनते हैं ग्रहों के उच्चतम स्तर पे बैठने पे। आपकी हथेली में अभी बना तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो योग बनता जा रहा है उसको कहते हैं गज केसरी योग। अब कैसे बनता है ये गज केसरी योग, ये देख लीजिएगा। आपकी हथेली में जो ये तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका नीचे का जो ये भाग है ना, इसे हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देव गुरु। और हथेली में यहाँ पे आप देखोगे, ये जो स्थान है इसको हम चंद्र का क्षेत्र कहते हैं, ये चंद्रमा है। और ये दोनों पर्वत और पर्वतों से ज़्यादा बलि आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा पुष्ट और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उभरा हुए ये दोनों स्थान दिखाई दे रहे हैं। गज के सिरियो कुंडली में आप जानते हैं, हथेली में ऐसा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव आपका रहने वाला है, आने वाले समय में निश्चित रूप से अत्यंत भाग्य, जिसको कहते हैं ना अत्यंत भव्य, वही होने वाला है। आप सरल होंगे, औरों के सहयोगी होंगे और निश्चित तौर पे समाज को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूँ, आपकी जो भव्यता है, आपकी जो भव्यता है, सभी उसमें खो जाएंगे। ये निश्चित तौर पे गज और केसरी योग आपको दे रहा है। दूसरी बात, जब जो है बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, तो निश्चित रूप से मान प्रतिष्ठा के मामले में व्यक्ति सर्वोपरि स्तर पे आ जाता है। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में, आप अगर न्यायिक क्षेत्रों में, आप अगर वाणिज्य के क्षेत्र में या अपने व्यवसाय में, या शिक्षा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर काम करेंगे, तो बृहस्पति के कारण उस काम में जो है विस्तार और विकास होने की भरपूर संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। और धन के मामले में धन बहुत अच्छा रह सकता है, प्रतिष्ठा के मामले में प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और देखिएगा, ये ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है, इसका मतलब है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। शरीर में 1% समस्या हो भी जाए, लेकिन मन नहीं डिगेगा, मन हमेशा मजबूत रहेगा। और देखिएगा, जब चंद्रमा अपना अच्छा प्रभाव देता है, सुंदर प्रभाव देता है, तो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होता जाता है, और आपका भी जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इस भाव में बैठा हुआ है, इस तरह से सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है कि आपको ये क्रिएटिव बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर होता है, एक सौंदर्य बिखेर रहा होता है, तो निश्चित रूप से
अगर माँ होंगी तो माँ का आशीर्वाद, माँ का सुख आपको प्राप्त होगा। और चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, निश्चित तौर पे जीवन में सकारात्मक सोच के साथ ही महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। बहुत सुंदर आपका चंद्रमा है, अच्छा खासा आपका जो है यहाँ पे गुरु पर्वत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पे बहुत ज़्यादा नज़र पड़ रही थी, ये गज केसरी योग बना रहे थे, इसलिए जो है सबसे पहले मैंने इसी का उदाहरण आपको दिया। अब जब सबसे पहले नज़र पड़ रही है तो एक रेखा पे भी पड़ रही है, एक दो रेखाएं जो अलग से दिखाई दे रही हैं। आप देखोगे आपकी हथेली में एक रेखा इस तरह से जा रही है और ये रेखा अच्छी खासी प्रभाव आपके जीवन पे दे रही है। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। यदि इस तरह से रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है भाग्य स्थान से होके, तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है अपने जीवन काल में। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, जो लीडरशिप है, उसके जो गुण होते हैं, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत अच्छी लकीरी इसको माना जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो देखिएगा आपकी जो हृदय रेखा है ये इस तरह से निकलती हुई यहाँ पे और गुरु श्रेष्ठ से जो है युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जब हृदय की रेखा गुरु पर्वत से युक्ति बनाती है तो ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति होता है। आप भी निश्चित तौर पे केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज लेने वाले, अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में वास्तव में हृदय से प्रेम करते हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर जो आपसे मन से जुड़ जाता है उसको आप जो है अंत तक निभाते हैं, उसका स्वाभिमानी जरूर है, स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जब सूर्य का पर्वत और बुध का पर्वत बहुत अच्छे अनुकूल स्थिति में आ जाएगा तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आप अपने समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक खासियत आपकी हथेली में दूसरी देख लेते हैं, आप समझ ही गए होंगे मुझे लगता है। एक विद्या रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये विद्या रेखा बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। अब आप जुपिटर माउंट की जो उंगली है उसका देखिएगा, ये पूरी तरह झुकाव लिए हुए है और कहीं ना कहीं बीच की उंगली, शनि की उंगली की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। दूसरा अगर यहाँ पर देखते हैं हम, आपका जो मिडिल फिंगर है ये भी झुक रही है और आपके सूर्य पर्वत की तरफ झुक रही है, सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब होता है आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता की प्राप्ति होती है। अगर हम रिंग फिंगर को देखें जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं संस्कृत में, जिसका नाम अनामिका है, यहाँ पे ये शनि की तरफ ढलती हुई, झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में धन पाने की और नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो बृहस्पति के भी गुण आ रहे हैं, लीडरशिप के गुण आ रहे हैं, हिम्मती स्वभाव है और रिस्क लेने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य के भी गुण हैं और जो है गुरु के भी गुण, दोनों के गुण यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अब आपकी कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ से ढल रही है और सूर्य पर्वत की तरफ ही दिखाई दे रही है। ऐसे में संसार की तरह आप भी सोच रहे हैं, धन और धन और धन, व्यापार व्यापार व्यापार, प्रसिद्धि प्रसिद्धि प्रसिद्धि, यही। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है
जो सूर्य है, सूर्य की उंगली है, उसके पहले पौर्वे तक आपकी जो है कनिष्ठा जाती हुई दिखाई पड़ रही। बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छा है ये। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी ये कनिष्ठा उंगली, जिसको हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, इस रिंग फिंगर के पहले पौर्वे तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में या तो व्यापारी होता है। सबसे पहले बात होती है व्यापारी। अगर वो किसी कारणवश व्यापारी नहीं है, तो अगर चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, किसी न किसी रूप में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ये सबसे सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें एक चीज़ का और देखते हैं, वर्तमान में सभी जो है उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत की, सूर्य की उंगली की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा किस लिए है, इसका भी हम देख लेते हैं। ये अच्छा इसलिए है कि सूर्य की तरफ अगर झुकाव होता है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व प्राप्त करता है, इस चीज़ की ओर ये संकेत दे रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हथेली के जो ये तीसरे पौरवे हैं, उनके बीच लगातार छिद्र दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। पूरे जीवन काल में पैसा तो आता है, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब थोड़ा सा हम रेखाओं की ओर भी चलते हैं, तो मणिबंध की ओर सीधा चलते हैं। यहाँ पे आपने कहा भी था कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने कहा था कि मेरी जो है जो मैरिड की लाइन है, उसमें एक रेखा और दिखाई दे रही। देखिएगा, मैं दूसरी फ़ोटो कहीं देखूंगा तो ऑडियो मैसेज आपको भेज दूंगा। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें कहीं भी जो है कोई ऐसे साइन बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिन साइनों की आप बात कर रहे थे। मणिबंध की ओर चलते हैं। देखिएगा, मणिबंध में जो ये ऊपर की रेखा होती है ना, ये रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की रेखा आप देख रहे होंगे साफ सुथरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, गहरी दिखाई दे रही है, सीधी रेखा बनी हुई है। ये सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है, और आपकी हथेली में मणिबंध की रेखा सबसे उत्तम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पहली जो मणिबंध की रेखा है, ये जितनी साफ सुथरी हो, जितनी सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में सुदृढ़ रहेगा, और आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो रहने वाला है, इस और ये जो है संकेत कर रही है। दूसरी बात, आपकी हथेली में जो है दो साफ सुथरी मणिबंध की रेखाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल दो रेखाएं हैं, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है कि ये जातक अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक है। स्वयं के बल पर, स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से एक है। अब और रेखाओं पे चले, देखिएगा आप मस्तिष्क रेखा देखिएगा, अपने सुंदर ढंग से जो है चलती आ रही है। गुरु का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, और मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का प्रभाव अगर बुद्धि पे पड़ता है तो मस्तिष्क तीव्र होता है, क्योंकि ये शक्ति का द्योतक है। गुरु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति समझदारी से काम लेता है, नई आइडियाज़ पे काम करता है, और लंबी होती है रेखा, सीधी होती है, और इस पे यहाँ बुद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। और जब मस्तिष्क की रेखा पे बुद्ध का प्रभाव पड़े, तो निश्चित रूप से
व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है या व्यापारिक बुद्धि व्यक्ति की होती है। और व्यापार का मतलब होता है हर व्यक्ति को अपनी ओर कर लेना, हर परिस्थिति को अपनी अधीन कर लेना। और व्यापार का मतलब होता है व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो उसका मन मस्तिष्क हमेशा व्यापार की ओर जाएगा, और एक दिन ऐसा आता है व्यक्ति व्यापार में ही तरक्की प्रदान करता है। यही आपकी हथेली बता रही है। वर्तमान में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन शनि जिस तरह से आपका है नौकरी में, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अड़चनों की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आप नौकरी ही करें, बिजनेस के योग जो है आपके जो है 3 साल के बाद बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 साल तक आप नौकरी करें, उसके बाद बेशक आप व्यापार में जाएं, और व्यापार में आपको बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बहुत अच्छा लाभ, लेकिन 3 साल से पहले नहीं, क्योंकि आप जो है शनि के कारण जो है धोखा खा जाएंगे। शनि का मैं उपाय दूंगा, सूर्य का मैं उपाय दूंगा, और शुक्र का मैं उपाय दूंगा। ये 3 ग्रह नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बृहस्पति जी है, जिस तरह से चंद्रमा है, उस हिसाब से गज केसरी योग बन रहा है जो आपकी भव्यता को यहाँ पे दिखा रहा है, और आपकी भव्यता में सभी खो जाएंगे इस बात का पुष्टिकरण कर रहा है। अब अगली लाइन पे चले जाएं, उससे पहले देखें मस्तिष्क रेखा जिस तरह से आपकी जारी है, एक ब्रांच यहाँ और चंद्रमा की तरफ निकल रही है, छोटी सी ब्रांच है लेकिन फोर्क हो रही है, इसकी ब्रांच चंद्रमा पे जा रही है। और देखिए चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, चंद्रमा को धर्म क्षेत्र ज्योतिष में कहा गया है, और यहाँ से हम यात्राएं भी देखते हैं जीवन काल की। और जब ये बायफोर्क होके इधर पहुँच रही है, चंद्रमा पे जा रही है, तो इसे कई बार राइटर फोर्क भी कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कह रहा है बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस तरह से बृहस्पति हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप इन कल्पनाओं का बेनिफिट अपने जीवन में किसी भी तरह से ले सकते हैं। और इसी कल्पना के कारण, इसी सोचने की शक्ति के कारण आपके प्रोफेशन में ये चीज़ ग्रोथ देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इस साइन की वजह से कई बार व्यक्ति जो है करियर के क्षेत्र में कन्फ्यूजन की स्थिति में भी आ जाता है, इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें, बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रही है, और यहाँ से जो है इस तरह से दिखाई दे रही है, थोड़ा चंद्रमा की तरफ और केतु की तरफ आती हुई दिख रही है। जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, उन्नति तो व्यक्ति करता है, प्रोग्रेस तो व्यक्ति करता है, लेकिन कहीं ना बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहती है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई सीधा मस्तिष्क रेखा पे मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी जो भाग्य की लकीर है, देखिएगा कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आपको दे रही है। और भाग्य रेखा का मतलब होता है आपका आर्थिक क्षेत्र, आपका करियर का क्षेत्र, और मस्तिष्क रेखा मतलब होता है आपने की मन की सोचने की शक्ति, आपकी माइंड लाइन, माइंड की शक्ति, मतलब करियर और पैसों के मामले में आप अपने गलत निर्णय के कारण अपने प्रोग्रेस को और अपनी उन्नति को अवरुद्ध कर सकते हैं। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रेखा जो है सीधा सीधा इसी चीज़ को बता रही है कि ऐसा व्यक्ति अपने निर्णयों के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है, इस बात की संकेत ये कर रही है। यहाँ पे एक जो है त्रिभुज भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका भेदन हो रहा है, जिससे इसका जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है हम और रेखाओं की तरफ भी आएँ तो देखिएगा, एक रेखा जो है इस तरह से शनि की तरफ जारी है, और ये जारी है 48 से 54 वर्ष के बीच में।
निश्चित रूप से बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु की रेखा 48वें वर्ष से 54वें वर्ष के बीच शनि से गोचर करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना यहाँ पे बहुत बढ़िया रूप में नज़र आ रही है। और कुछ रेखाएं और भी हैं, एक रेखा 45वें वर्ष से जो है बुध से युक्ति बना रही है। निश्चित रूप से 45वें वर्ष में हो सकता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में वृद्धि की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके ग्रहों की ओर चले, अंगूठा देखें, अंगूठा लचीला है, पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, यहाँ पे शुक्र उठा हुआ है तो लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन जीवन हो और जीवन में अच्छा खासा पैसा हो और व्यक्ति का जो भव्यता है, वो पर्सनैलिटी है, वो सबको मोहित करने वाली हो, इस तरह की जो है मन में जो है इच्छाएं बहुत प्रबल रूप धारण कर रखी है। और पहला पौरवा भी यही बता रहा है कि जीवन में इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी नहीं है, तर्क शक्ति की भी कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो इन दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर सा यव का बहुत बेहतरीन निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व जरूर होगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी जरूर होगा, लेकिन तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना भी अच्छा लगता है और जीवन में अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर की प्राप्ति यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। वर्तमान में शुक्र के पर्वत में कुछ रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानी देती हुई दिख रही हैं, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो है निम्न मंगल अच्छा है, लेकिन कभी कभार थोड़ा गुस्सैल स्वभाव यहाँ पे दिख रहा है, वैसे एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर ली और देखिएगा अगर आप फोटो देखें तो फोटो में जो है कोई यहाँ पे साइन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रेखा जरूर जा रही है जो इस बात का द्योतक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। हाँ, यहाँ पे शनि का क्षेत्र थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ज़्यादा, इसका मतलब है कि थोड़ा सा अगर नौकरी चाकरी कर रहे होंगे, सर्विस कर रहे होंगे तो जॉब में थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती है, थोड़ा अड़चनों का सामना आपको किसी न किसी तरह से करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी बेवजह की चिंताएं ये दिखा रही है, जिस तरह से सूर्य यहाँ पे जो है बैठा हुआ है उसके अनुसार जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, जितने आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से जो है आपको श्रेय नहीं मिल रहा है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है और चीज़ें उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, उस रूप में विस्तार यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जब तक आपका सूर्य सही नहीं होता है। अगर इसके नीचे वाला ये भाग देखें तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबलता लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपका जो मरकरी का माउंट है अगर इसको देखें, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता रहेगी, सामने वाले को किस तरह प्रभावित करना है ये गुण आप में ज़्यादा आएंगे। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं मध्यम क्षेत्र ये उसमें बता रहा है, आपका व्यापार के क्षेत्र में मध्यम स्थिति बताता हुआ नज़र आ रहा है। और अपर अगर आपका ऊपरी मंगल देखें तो निडर और साहसी होंगे और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर दिखाई दे रहा है। चंद्र की हमने बात कर ली है, देखा जाए कुल मिला के तो अभी आपने नौकरी ही करनी है, नौकरी करने 3 साल के बाद अपना व्यापार करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। जीवन काल में कोई गलत निर्णय न लें जल्दबाजी में जिसके कारण अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़े। धन के मामले में देखें
तो आने वाले समय में गज केसरी योग के कारण धन धान्य में तो वृद्धि भी होगी ही, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व होगा बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं अत्यंत भव्य होगा, अत्यंत भव्य, इस तरह की आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। बहुत सुंदर है, जिस तरह से मणिबंध की रेखाएं हैं, अपनी बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में साथ साथ में खर्चीला स्वभाव भी ज़्यादा रहने वाला है, इस ओर यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में ये रेखा बहुत ज़्यादा सफलता आपको दिलाएगी, निश्चित तौर पर ये रेखा यहाँ पर बता रही है, और जीवन में नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रही। देखा जाए तो मैंने आपके पूरे हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में जिन चीज़ों का उपाय है उनका उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित रूप में आपको सफलता की प्राप्ति होगी।